क्या पिए? झूला झूला गेट दिखा दो चाय छिपा देंगे तुमको पानी ना अब पानी लेके आ फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरीदा और आप देख रहे हैं फरीदा नागपुर ब्लॉगर। तो कैसे आप सब? तो आपको दिख रहा होगा नया जगह। तो हम लोग आए फार्म हाउस, हम लोग तभी आए, नगमान भाई लोग पहले से आए थे, वो कल से बोल रहे थे साथ में चलो, तो हम लोग कल नहीं आ पाए थे तो आज आए हैं। बहुत अच्छी जगह है, बहुत खुला खुला लग रहा है, इंजॉय कर रहे बच्चों के साथ। अभी यहाँ पे लंच चल रहा है हमारा, वेट कर रहे थे लोग, काफ़ी लेट हो गए, बुला रहे मगर नाश्ता लेट करी उन्होंने तो दिल नहीं कर रहा खाने का, मगर थोड़ा बहुत तो खाना ही पड़ेगा। तो ये देखिए चिकन बिरयानी सैलेड रोटी भरता, ये है राइस, चिकन दो तरफ करके। और वहाँ पे भी हट बना है ना, वहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे थे, बच्चे लोगों को वहाँ अच्छा लग रहा है। सिद्रा क्या कर रहे हैं आप? सिद्धू को नींद आ रही थी झूला झूलते झूलते। ओ गिलहरी भैया खाना खाते क्या? और दुबले हो गए बुखार में, क्या बोले मम्मी? उसको तो जिदान जिदान चिल्लाते हुए आई था, अभी भी सुनाई नहीं दे रहा था। मोबाइल में धुन दूंगा ना खाना। तो यहाँ फ्रेंड्स हम लोग पहुँचे थे 3:30 और ये सब हमारा इंतज़ार कर रहे थे लंच के लिए। तो आते से लंच करना पड़ा हम लोगों को, जिसमें हम लोग ने लेट नाश्ता किया हुआ था। और यहाँ आयान फ़ोटोशूट कर रहा है और मैंने तो खाना खा के सो गई थी, फिर सीधा मैं शाम को उठी थी मगरिब के टाइम पे, और रात को हम खाना खा के बस निकलने वाले थे। और यहाँ देखो हम मैं अम्मी बैठे बच्चों के साथ, और हुमैरा और उसकी जो देवरानी थे नगमान भाई की वाइफ और छोटे भाई की बीवी, वो बना रहे थे खाना। तो चिकन पुलाव बन रहा था, बनाना था बिरयानी, मगर इतना सारा चिकन और मटन बिरयानी रखा हुआ था इसलिए मैंने ही मना कर दी थी। और बस अब खा पी के हम लोग निकलेंगे, थोड़े से वक्त के लिए आए थे मगर बहुत मज़ा आया। और इन लोग तो एक दिन पहले से थे, हमको भी बुला रहे थे, मगर ईद मिलादुन्नबी की वजह से हम फैमिली को टाइम देने की वजह से हम लोग इनके साथ नहीं आ पाए थे। तो जो भी वक्त गुजारे बहुत प्यारा गुजारे। और ये बहुत प्यारा फार्म हाउस है, ये नगमान भाई के फ्रेंड्स हैं, एडवोकेट हैं वो भी, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, देखिए बहुत प्यारा नाम है वो सर का भी, ये उनका फार्म हाउस है। और यहाँ अक्सर इसके पापा नगमान भाई लोग अपने फ्रेंड्स के साथ जाते रहते हैं वीकेंड पे। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया था, आई होप आप लोगों को भी छोटा सा ये ब्लॉग इस फार्म हाउस का बहुत अच्छा लगा होगा। और ये सारे ब्लॉग्स लेट आ रहे हैं, आई होप आप लोग समझ के लेंगे। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे ब्लॉग्स आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। और ये छोटा सा फार्म हाउस दिख रहा है मगर ये छोटा सा है नहीं एक्चुअली, क्योंकि मैं प्रॉपर शूट नहीं कर पाई थी इस वजह से। यहाँ पर देखिए ये 2 बेडरूम्स हैं और ये हॉल है बहुत बड़ा, यहाँ पीछे से स्पेस है, वॉशरूम वगैरह भी है अंदर ही है बेडरूम के, और ये यहाँ पे वॉशिंग एरिया और किचन भी है। तो यहाँ पे ये आयान शूट कर रहा है इसलिए तो गड़बड़ में कर रहा है, आपको बता दूँ। तो यहाँ मेरा रात का सब तैयारियाँ कर रही है, यहाँ अमीना उन लोगों को देख रही है, थोड़ी बहुत हेल्प कर रही है, नगमान भाई की अम्मी, उनके भाई,
और उनके वाइफ और छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे प्यारे जिनके साथ बहुत मज़ा आया। तो आयान उसको सता रहा है कि मैं तेरा फेस ले रहा हूँ करके। तेरे को नगमान भाई के छोटे भाई के वाइफ हैं ये, तो मैंने उनसे पूछ के ब्लॉग बनने में लिया है, उन लोगों को एतराज़ ना हो करके। देखो हमारा भी मना कर रही मुझे मतलब करके, मगर आयान सबको सता रहा है। तो ये बहुत ही प्यारा सा फार्म हाउस है, यहीं मैं सो गई थी। बड़ा सुकून और शांत इतना है ना कि, और वैसे मैं दिन भर की थकी थी और इतना ट्रैवल करके आए थे 1 घंटे का, और फिर खाना मिल गया डबल से, तो बस लुढ़क गए हम तो। तो भाई ये देखिए बहुत ही प्यारा लुक है यहाँ का, और इसका मैंने शॉट डाला था, आप लोगों ने देखा होगा, रात का समा होंगे उस पर गाना डाला है, ज़रूर जाके देखे नहीं देखे होंगे तो। चलिए फ्रेंड्स मैं ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, दुआओं में याद रखना और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कर देना, शेयर करके अपने फैमिली फ्रेंड्स में अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते होंगे तो। और थैंक्स टू नगमान भाई ये छोटे से ट्रिप के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जानती हूँ आपकी फैमिली मेरा ब्लॉग देखते, और सच्ची मैं हम लोग बहुत तहे दिल से आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आप अपनी छोटी छोटी सी खुशियों में भी हमको याद रखते हैं। तो चलिए घर लौटते हैं, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।